खबर से बुलेटिन की शुरुआत जो है हजारीबाग से। यहां पर बगोदर रोड स्थित विकास बाल विद्यालय के पास तेज रफ्तार का कैब देखने को मिला है। यहां पर एक कोयला से लदे हाईवा ने पिकअप में टक्कर मार दी है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बगोदर से शादी में बाजा बजाकर ताशा पार्टी अपने घर रामगढ़ लौट रहे थे। पिकअप वन में बैठे हुए थे ये लोग। इसी दौरान हाईवा ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद हाईवा का चालक मौके से फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हजारीबाग से, जहां पर एक हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। जो घायल हो गए हैं बताया जा रहा है कि वो किसी ताशा पार्टी यानी कि जो बैंड बाजा जो होता है, जो बारात में बाजा बजाते हैं, ये उन लोग का एक समूह था जो पिकअप वैन से किसी शादी समारोह में शामिल होने के बाद से वापस लौट रहा था और इसी दौरान कोयला लदे हाईवा ने टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के परखचे उड़ गए हैं और सभी के लोग जो इस पिकअप में बैठे थे वो घायल हो गए हैं और अब इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और फलक हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। फलक, फिलहाल स्थिति क्या है, उन जो घायल हो गए उनकी स्थिति क्या है? मेरू के जो ग्रामीण है वो एक अच्छा संदेश भी दिए हैं, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और साथ ही जो हाईवा टक्कर मारकर भाग रहा था उसको पकड़े भी हैं ग्रामीण और पुलिस के हवाले किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में लगातार जो है वाहन दुर्घटना होती रही है, क्योंकि NH 100 है और ये सिंगल लाइन है और बताया जाता है कि हर एक दूसरे दिन यहाँ पर जो है सड़क दुर्घटना होती है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि ये भी 4 लाइन में तब्दील किया जाए ताकि यहाँ पर जो वाहन दुर्घटना की संख्या है वो कम हो। जी पंकज। अच्छा फलक, जो घायल जो लोग हैं वो ठीक है, अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए उनकी स्थिति सही है, क्योंकि इसमें 15 सदस्य बैठे हुए थे ताशा पार्टी के और सबको चोटें लगी हैं, जिनमें 3 लोगों को गंभीर चोट लगी है, लेकिन उनका भी इलाज हजारीबाग SBMCH में चल रहा है और वो खतरे से बाहर है, इलाज जारी है। जी पंकज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फलक, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो फिलहाल जो घायल है वो सभी खतरे से बाहर है और जो हाईवा चालक फरार हुआ था उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी। बड़ी जानकारी हजारीबाग से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।